डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टूडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल, क्लास सेवन्थ, सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 14। आपके जो क्वेश्चन मैं आज पढ़ रहा हूँ पेज नंबर 14 पे है। अब हम इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन 4 है अपना मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई समझने के लिए मैंने कल आपको मल्टीप्लाई के रूल भी बताए थे। देखो ध्यान से, प्लस इनटू प्लस, दो साइन प्लस वाले साइन की संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर प्लस में आएंगे, दो माइनस वाले साइन को की संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी आंसर प्लस में आएंगे। एक रूल तो ये हो गया। दूसरा, एक प्लस की संख्या हो एक माइनस की संख्या हो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर माइनस में आएंगे। एक माइनस की संख्या दूसरी प्लस की संख्या, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएंगे। अलग अलग साइन की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, और समान साइन की संख्या को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, ये ध्यान रखें आप। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये एंड लगा हुआ है तो ये संख्या यहाँ नोट करिए, ब्रैकेट में बंद कर, हमेशा माइनस की जो संख्या रहेगी उसे हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। जैसे नेगेटिव के 9 है तो इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में, इसको बिना ब्रैकेट में हमने यहाँ नोट करके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया क्योंकि ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई करो। अब क्या करना है, दोनों अलग अलग साइन की संख्या है, एक माइनस की एक प्लस की, इसका मतलब आंसर हमेशा माइनस में आएगा क्योंकि वो रूल कह रहा है अपना कि एक संख्या प्लस की एक संख्या यदि माइनस की हो तो निश्चित रूप से हम आंसर माइनस में लाएंगे। हम माइनस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस लिख दिया। अब काउंटिंग भी आप मल्टीप्लाई करोगे, 9 एट 72, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सबको, यह आंसर अपना आ गया है -72। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी -15 एंड -15 लिखा हुआ है जो कि आप देख रहे हैं। -15 दोनों में नेगेटिव, इसलिए दोनों को ब्रैकेट बंद करके लिख दिया। मल्टीप्लाई करना है इसलिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया हमने। अब क्या करना है अपन को, दो समान साइन की संख्या है, हमेशा जो दो समान साइन की संख्या को हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे आंसर प्लस में आएंगे, इसलिए माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू या प्लस लगा दिया। सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन के बाद में 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 225 अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन अपना 0 एंड -27, 0 एंड -27, यहाँ 0 है एंड -27 है तो यहाँ 0 और ये -27 है इसलिए आपने यहाँ नेगेटिव का साइन लगा दिया और ब्रैकेट में बंद कर दिया। दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी संख्या यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा अपने क्या आएगा, 0 ही आएगा। किसी भी संख्या को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा अपना 0 आएगा। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन, -3, 5, 7 एंड -1, ये सारी अपनी संख्या है। अब करना है कि अपन को इसमें जिनके माइनस लगा हुआ है उनको ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे, बाकी को हम ऐसे ही लिख देंगे, सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हम लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ध्यान रखना एक साथ सारी संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, दो दो संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। कोई सी भी आप दो ले सकते हो और कोई सी भी दो छोड़ सकते हो। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने इन दोनों को लेके मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से माइनस है और यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे, दोनों अलग अलग साइन है तो माइनस के आएंगे आंसर। ये चीज़ क्लियर हो गई क्योंकि माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस। 3, 5 जा 15, यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा आप क्या। अब फिर हम इधर दो संख्या ले लेते हैं, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, 7, 1 जा 7, यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ भी नेगेटिव की संख्या है, यहाँ भी नेगेटिव की संख्या, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू या प्लस लेंगे। प्लस चाहे तो आप लिखो, चाहे मत लिखो, क्योंकि यहाँ नहीं भी लिखोगे तो भी प्लस ही माना जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे अपने, प्लस। 15, 7 जा 105, आप टेबल बोल के कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से।
अब चलते हैं हम जीरो एंड जीरो। देखो जीरो से जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे या जीरो को अदर से करेंगे या अदर को जीरो से करेंगे, आंसर जीरो ही आना है। तो जब दो जीरो को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही आना है, इसलिए इसका आंसर जीरो आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक। अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे। इसमें बहुत बड़ी संख्या देख के घबराना नहीं है आपको, बहुत सीधा है। नेगेटिव टू कोमा नेगेटिव फाइव कोमा नेगेटिव टेन कोमा नेगेटिव सॉरी टू एंड फोर, ये चीज़ अपने सामने है। कुछ भी ध्यान नहीं रखना, अपना सीधा सीधा ध्यान रखना है कि नेगेटिव टू इंटू नेगेटिव टू इंटू नेगेटिव टेन इंटू टू इंटू फोर। अब अपन ने करा क्या है कि जितने भी नेगेटिव की संख्या है इसको तो ब्रैकेट बंद करके लिख दिया, और जो पॉजिटिव है उसको ऐसे ब्रैकेट ऐसे लिख दिया, और सबके बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया, क्योंकि अपन को करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब करना क्या अपन को, दो दो ग्रुप में संख्या लेंगे, इन दोनों को हमने ले लिया तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव अर्थात माइनस इंटू माइनस प्लस। समझ में आ गया, दो माइनस की संख्याओं को, दोनों समान चिन्ह की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर माइनस में आएगा, टू फाइव जा टेन। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें भी इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, टेन टू जा ट्वेंटी। यहाँ तक क्लियर, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। और ये इधर देखो, अपन ने यहाँ तक ये कर ही लिया है, और फोर अकेला बचा हुआ तो इसको मल्टीप्लाई करके नीचे उतार दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपने, दिक्कत है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस चाहे तो आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी प्लस ही बना जाएगा, लगाओगे तो भी प्लस ही रहेगा। अब वापस प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, पहले साइन मल्टीप्लाई किया, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 200, 4 का 4 ऐसा कैसे हमने यह नोट कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेगेटिव और पॉजिटिव अर्थात माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, यहाँ तक इसमें माइनस आएगा क्योंकि एक माइनस की संख्या है एक प्लस की संख्या। यहाँ तक क्लियर, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 अपना आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर माइनस 800 आ चुका है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे जहाँ तक मानना है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, सेवंथ क्वेश्चन। इसमें भी नेगेटिव फोर कोमा नेगेटिव टू कोमा नेगेटिव वन एंड नेगेटिव वन, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा, सब नेगेटिव की संख्या है। तो सबसे पहले तो हमने सबको ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया, और सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि अपन को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, इसमें भी ग्रुप ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, 14 टू जा 28, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, 1 जा 1। तो इधर भी प्लस आ गया, इधर ही प्लस आ गया, चाहे तो आप लगाओ चाहे तो मत लगाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएंगे, ये अपना आंसर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस, 28 1 जा 28। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, 999 कोमा माइनस 1 एंड माइनस 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, इसको तो ऐसा कैसे लिख के, मल्टीप्लाई का साइन लिख गया, ये माइनस की संख्या इसलिए ब्रैकेट में बंद करके मल्टीप्लाई लगाया अपन ने, एंड माइनस 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अब आगे अपन को ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि दोनों माइनस की संख्या है, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस लिखते नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी प्लस ही मानी जाएगी, और ये ऐसा कैसे हमने नोट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब करना है कि अपन को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9990 अपना आंसर आ जाएगा। ये पूरी तरह क्लियर हो गया होगा आपको। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।